तो आज की सुबह सुबह की शुरुआत हो गई थी ये हल्दी वाला पानी का। गर्म पानी में हल्दी डाल के पिया तो थोड़ा सा गला ना ठीक हो गया था। कभी कभी सर्दियों में ऐसा पी लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं निशी वोरा चंपावत की हसीन खूबसूरत वादियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आज सुबह सुबह का मौसम का हाल कुछ इस तरह से है, ये देखिए कल हुई थी बरसात, तो देखिए पूरा इस जगह पर कोहरा लगा हुआ है और अच्छी खासी धूप भी खिली हुई है। और आज ना हिमालय ना बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए पूरा पूरा उधर धूप निकली हुई है ना, तो उसकी वजह से पूरा हिमालय साफ दिख रहा है हमारी छत से। और ये देखिए ये जो ये देख रहे हैं आप कोहरा, ये पूरा नदी के ऊपर ऊपर पूरा कोहरा आया हुआ है। और ये देखिए सामने पे हिमालय कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये है हमारा खूबसूरत सा छोटा सा गांव जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए आज तो लग रहा है धूप खिलेगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा, कल तो बाप रे पूरा दिन आग सेकने में ही बीता है। और एक चीज बताऊं आपको कि हम लोग जब यहाँ नहीं थे ना तो बंदरों ने देखिए हमारे यहाँ कितना अच्छा लहसुन हुआ था जब मैं गई थी, तो सब खत्म कर दिया है, कुछ भी नहीं रखा है, संतरे माल्टा सब खत्म, लहसुन तक छोड़ा नहीं है। तो आप देख सकते हैं बंदरों का आतंक कितना बुरी तरह से फैला हुआ है यहाँ। ये देखिए पूरे खेत पूरे बंजर पड़े हैं। और देखिए धूप खिलने से ना चंपावत देखिए कितना साफ लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब ये जो नदी के किनारे के ऊपर ऊपर जो कोहरा है ना वो देखिए ढकता जा रहा है चंपावत को। गला भी थोड़ा दर्द हो रहा है। और धूप में बैठ के कर लिया था नाश्ता जो कि मैंने आज अकेले ही किया क्योंकि राहुल गया हुआ था जिम और बोरा जी यहाँ है नहीं। जैसा कि आपको पता जैकी है जैकी को देखो तो इतना नाराज हो गया है हमसे, यहाँ को आ ही नहीं रहा है, पता चाचा लोग के घर में है। जैकू नाराज है देखो, हो कितना मासूम है ये, हमको तो कितनी याद आ रही थी जैकू की। लो भाई मुझे कुछ नहीं आ रही कह रहा है जैकी। ओए गुंदरू जैकू क्या हो गया, नाराज हो गया? अच्छा है भैया, आज धूप लगी है, जैकू भी धूप सेक रहा है आराम से बैठ के, और पता है आ ही नहीं रहा है। और फिर मेरे देवर आ गए थे तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे गपशप कर रहे थे। तो आज तो था बार, मतलब कि हमारे यहाँ ना बार के दिन आते हैं लोग, तो आज था बुधवार, तो आज सभी लोग आएंगे, कोई कोई आते ही रहेंगे। तो सुबह से लग गया था ये नंबर। और सुबह से ही चल गया था चाय और मिठाई का दौर, तो जो भी आता है उसे चाय और मिठाई खिलाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, तो सभी का प्यार है जो सब लोग मिलने आते हैं एक एक करके। और बैठे बैठे दिन के खाने का भी टाइम हो गया था तो मैंने बना दी थी भट की चुड़कानी और चावल, और उसके साथ था मूली का सलाद। फिर हमने खा लिया था खाना, फिर आ गई थी बहुएं। और आज भी दिन भर सभी लोग आते रहे, जो लोग परसों नहीं आए थे तो वो लोग आए। तो कल मंगलवार था ना, मंगलवार को हमारे यहाँ नहीं जाते हैं ऐसे, तो बार के साथ जिस दिन बार होता है, अब जैसे कल बृहस्पतिवार है तो कल नहीं आएंगे। और ये आ गई थी सुनीता की बड़ी मम्मी, यानी कि हमारे यहाँ जिरजा कहते हैं, वो भी आई हुई थी मिलने के लिए। फिर ये मेरी देरानियाँ आ गई थी सब।
कले कति निक पानी दी ने तुमले वाई खा ले ना ना वो तो 10 तारीख आगो अब क्या लगे की बोल वो जी निज गया दीदी गार्डन के घूमने ले दी तमे दी तो मिठाई तमे अच्छे तली डब्बे में अरे तो आज आया है हमारी बहुरानी का भिटोला जिनकी नई नई शादी होती है तो उनका भिटोला आता है तो आज आया है कविता का भिटोला तो ये आप लोगों के लिए भी हैं ये लड्डू खा लीजिएगा और हम लोग तो फिर अगले महीने बांटेंगे लेकिन इन लोगों को नई शादी वालों को इस बार बांटा जाता है तो ये है आज का पहला भिटोला आज दो भिटोले आ चुके हैं वैसे अब ले आए हैं सगड़ अंदर और यहाँ पर बैठ के राहुल और मैं खाते हैं खाना आलू गोभी की सब्जी बनाई है रोटी और हरी मिर्च खा ले रोहित कैसी बनी है सब्जी बढ़िया अच्छी बढ़िया इसको तो सभी कुछ अच्छा लगता है मेरे हाथ का कुछ भी बनाओ किसी के भी हाथ का अच्छा ही हो रहा है कहता है चलो फिर खा लेते हैं हम लोग खाना और खाना खाने के बाद कर दी थी मैंने किचन की सफाई क्योंकि आज दिन भर कुछ काम नहीं हुआ था सभी लोग आते रह रहे थे सुबह से जैसा कि आप लोगों ने देखा था तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं रात को कर लूँगी सारा काम तो मेरा पूरा दिन भर का काम अभी रात ही को हो रहा है और जितने भी बर्तन थे इतना ढेर लग गया था बर्तनों का भी दिन भर चाय के भी कितने सारे बर्तन हो जाते हैं ना तो सारे बर्तन मैंने धो लिए थे गर्म पानी करके और उसके बाद कर लिया था पूरा किचन साफ तो ये था आज का वीडियो और बहुत थक चुकी हूँ अब सोऊंगी तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट